अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? और होप आप लोगों का ये वीक अच्छा जा रहा होगा। यहाँ पे आज जो है वो जुमेरात है, थर्सडे, और हमारा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। टुमारो इज़ फ्राइडे, सो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, चार छुट्टियाँ। तो आपको मैं बताऊँगी कि मैं 4 दिनों में क्या क्या मेरे प्लान हैं। एक प्लान हम बनाते हैं, एक प्लान ऊपर बनता है। तो बस हमेशा यही दुआ है कि जो प्लान हम बना रहे हैं अल्लाह ताला उस प्लान से राज़ी हों, और या जो अल्लाह ताला बना रहे हैं उससे हम राज़ी हो जाएं, तो सारे रोले मिट जाए। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोगों को आर यू इन्जॉइंग नादिया की बातों का सेगमेंट, और हाउ कैन आई इम्प्रूव, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बातें करने में। आप लोगों को मज़ा आ रहा है सुनने में कि नहीं? और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं डिस्कस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या मुझे इनबॉक्स में आप करके बताएं। आज जिस टॉपिक पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है डिस्कस करने का, उसका मैं खुद भी निशाना बनी, और हमारे कल्चर में तो बहुत तकरीबन हर बच्चा निशाना बनता है। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं बनते हैं, एंड दैट इज़ कंपैरिजन, मुवाजना। ये एक ऐसी मोजी बीमारी है जो हर घर में पाई जाती है, और चाहते हुए या ना चाहते हुए अगर कोई आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हो, आप खुद शुरू कर देते हैं। खुद ब खुद एक लो सेल्फ इस्टीम का लोग शिकार हो जाते हैं, या दूसरे कहना शुरू कर देते हैं, फलाने को देखो वो कितना लायक है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, है ना, उसके ग्रेड्स देखो। और वो हमें पता ही नहीं लगता हम कितने बुरे तरीके से अपने बच्चों को डैमेज कर रहे होते हैं। हम लोग खुद औरतें अपने आप को कंपटीशन में, आपको क्या लगता है जो लोन की सेल में जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, ये जो बड़े ये जो कोटेशन आए वो थे कि ओ आई लुक गुड फॉर माई सेल्फ, यानी कि आपने अगर फाइनली अच्छा लगना है तो उस पूरे प्रोसेस में भी आप अच्छे लगने चाहिए। उस कपड़े को हासिल करने के लिए आपने क्या किया वो भी आपको उतना ही फील गुड फैक्टर होना चाहिए जितना वो पहनने तक और एक सेल्फी खिंचवाने तक आपका फील गुड फैक्टर हो। अब जैसे ये जो शॉल है, इसमें मेरा फील गुड फैक्टर ये है कि ये मैंने लाहौर एयरपोर्ट से ली थी, और मैं बहुत फ़ख्र से बताती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि ओ जी मैं तो फलाना डिज़ाइनर, मेरे इर्द गिर्द बेशक लोग बैठे हुए हों जो भी कुछ डिज़ाइनर्स पहन के, ऑलवेज टेल दम कि ये मैंने तो लाहौर एयरपोर्ट से ली थी। और क्योंकि हर फ्लाइट में मेरा ये मकसद होता है वापसी पे स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करूँ, ना सिर्फ वो, और मेरा अपना फ़ायदा ये हो रहा होता है, मेरा वेट इतना ज़्यादा हो जाता है सामान का कि मैं कुछ चीज़ें ले भी जाऊँ, तो मैं उनसे ज़रा ठीक अच्छी शॉपिंग कर लेती हूँ, वो भी बड़े खुश हो जाते। तो ये शॉल मैंने उनसे ली, और बेचारे के लिए बैठे हुए थे, मैंने उनसे काफ़ी सही शॉपिंग की है। आई स्टिल रिमेम्बर कि उनके शक्ल पे जो हैप्पीनेस आई, तो ये फील गुड फैक्टर मुझे हुआ। और फिर मैंने इसको काट के इसका केप बना लिया, दूसरा फील गुड फैक्टर। और तीसरा फील नॉट गुड फैक्टर कि अभी मैंने इसकी तुरपाई करनी है, वो मुझे आई नीड टू फाइंड सम टाइम, हो सकता है मैं आज कर लूँ। सो आई हैव अ लिटिल जर्नी। इसी तरीके से मेरे घर में भी जो चीज़ें हैं, आई हैव गॉट लिटिल जर्नी ऑफ एवरी थिंग। अब मैं जब भी कोई पूछता है ये कैसे किया, ये कैसे हुआ, और जो सबसे बोर चीज़ है वो है जिसमें थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। जैसे जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, जो कबर्ड्स हैं वो मेरे मियाँ ने वो एक हैं वो करते हैं बेडरूम फिटिंग कर दी, जस्ट वेरी बोरिंग फॉर मी। अब मैं सोच रही हूँ इसको तो कुछ बना लूँ तो शायद कुछ फील गुड फैक्टर आ जाए। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज़ कि हर शख्स अपनी ज़ात में यूनिक होता है, और कोई किसी से कम नहीं होता, कोई किसी से ज़्यादा नहीं होता। ज़ाहिर है ये किताबी बातें हैं, हमने बड़ी दफ़ा सुनी है कि मुकाबला ना करें, अपनी किस्मत का मिलता है, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी के थ्रू। जिस वक़्त मुझ पर रफ टाइम था आफ्टर डिवोर्स, तो मुझ पर थोड़ा सा हुआ कि यार मेरी कज़न्स में ऐसी क्या चीज़ स्पेशल है कि वो माशाल्लाह खुश हैं, मुझ में क्या कम था जो नहीं थी। और वो नेचुरली एक मुवाजना आने लग पड़ता है। मेरी वालदा भी ये सोचती थी, ज़ाहिर उन्हें बेटी का दुख होता था, वो एक मुवाजना आप में कोई को एनवीस जिसे जो कि एक बुरी शक्ल ले लेती है। अब मैं तो ये कहूँगी कि मुझे जेलसी नहीं थी, पर शायद आप लोग यह ना यकीन करें, लेकिन वाकई जेलसी नहीं थी, बस एक सवाल था। लेकिन अब उसका जवाब मुझे मिला कि एक्चुअली आई वॉज वेरी लकी। एक तो आई वॉज यंग, मुझ पर जो भी मुश्किल आनी यंग एज में आ गई, आई लर्न लॉट,
आए, मैंने लोगों के बिहेवियर सीखे, मैंने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी सीखी, वरना मैं इतना कोई एक आम से इंसान थी कि मुझे ये लगता था कि मैं इंटाइटल्ड हूँ। मैं जो चीज़ मांगती थी मेरे अब्बू मेरे घर में पहली चीज़ वो मुझे मिलती थी। मेरा भाई कहता था यार तुम्हारा कमरा तो जो है ना वो फुली लोडेड है, हर चीज़ तुम्हारे कमरे में, एसी तुम्हारे कमरे में, कंप्यूटर नया नया है तुम्हारे कमरे। तो आज जिस थॉट के हाथ ये तो सबके घर होता है, तो ऐसी कौन सी बात है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि सबके पास नहीं होता, और फिर शुक्रगुजारी आई। और अब मैं कहती हूँ कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई वेंट थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू बिकॉज आई लर्न टू वैल्यू थिंग्स। मेरे पास स्टोरीज हैं सुनाने के लिए, मेरे पास बातें हैं करने के लिए, वरना अगर मेरी शादी भी बहुत ही पहली शादी परफेक्ट हो जाती, तीन चार मेरे बच्चे होते और किसी आर्मी वाले से हो जाती, या जो भी एक जो परफेक्ट जो है आइडिया शादी का, और मैं पाकिस्तान में होती या मैं कहीं भी होती, एंड बस मेरी स्टोरी यही होती, आगे से बच्चे होते मेरी स्टोरियाँ। बट नाउ आई फील दैट I'm obliged and I'm privileged to being given this opportunity. But Allah Taala se bas yahi dua hoti hai ki Allah Taala hame mazid kisi aisi aazmaish mein na dale ke hum usse na paaye, wo nahi dalta business aisi aazmaish mein. To aaj main ye kehne ki koshish kar rahi hu, pata nahi keh pa rahi hu ki nahi, ki mawazna jo hota hai ye ek bahut hi buri cheez hoti hai, ye chahte ya na chahte hum kar lete hain, aur ye hum us waqt nahi karte jab hum apni zaat mein khush rehna seekh le. Jaise ab mujhe lagta hai is stage pe aake, acha ek choti si misal main aapko deti hu. जहाँ मैं रहती हूँ ये लंदन के बाहर है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल वेरी प्रिटी, बट इट्स आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन, और मुझे लंदन जाते हुए 40-50 मिनट्स लग जाते हैं, 1.5 घंटा करने. तो शुरू में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मुझे सब मेरे जो सोशल एक्विंटेंस थे और माय फ्रेंड्स वो उस तरफ रहते हैं लंदन की तरफ, और सब ने मुझे तुम दूर हो, और मुझे ये चीज़ यहाँ सेटल नहीं होने दे रही थी. अनटिल एक लड़की ने मुझे कहा कि वो यहीं रहती थी कि इट्स ब्यूटीफुल, तुम्हें यहाँ क्यों नहीं अच्छा लग रहा, तुम क्यों परेशान और डिप्रेस सी शक्ल तुमने बनाई. उस वक्त मैं फुल टाइम जॉब भी नहीं करती थी, बच्चा छोटा था, आई डिडंट नीड टू वर्क. सो मैं मियाँ ने कहा तुम घर में बस यू नो याशी मारो, है ना, मतलब क्या याशी मारो, जंगल में ले आए हो. हर वक्त ये कहती रहती थी मुझे जंगल में ले आए हो, मुझे जंगल में ले आए. अनटिल एक लड़की ने मुझे बहुत अच्छी बात की, जब मैंने उसे कहा कि मेरे सब फ्रेंड्स उधर हैं, उसने कहा ओ तो ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें यहाँ सेटल नहीं होने दे. उसने कहा कि जो तुम्हारे दोस्त होंगे ना वो आएंगे, सिर्फ 40 मिनट से दूर हो, और जिनके पास तुमने भी जाना होगा तुम जाओगे, तुम शुक्र करो. एंड देन आई वॉज लाइक हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बस वो लोग हमारे दिमाग में डाल देते हैं. जैसे मेरा एक बेटा है ये कि नहीं भाई शुक्र है इट वॉज माई डिसीजन, आपकी और है आप उनको संभालें, आई एम हैप्पी इन माई सिचुएशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट. हर सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो ग्राफ्स बनाए हुए हैं, जो डेस्टिनीज बनाई हुई हैं, वो डिफरेंट हैं, वो यूनिक हैं. उनमें खुश रहना और मुतमईन रहना अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस चीज़ की, क्योंकि ये नेचुरली होता है, ये एकदम से नहीं आ जाता, मुझ में भी एकदम नहीं आया, मुझ में भी करते 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 आई हैं ये चीज़. देर वॉज अ टाइम वेन आई यूज टू नॉट लाइक के वी बिलोंग फ्रॉम विलेज, मेरे बड़े बूढ़े गाँव में हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का माहौल बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा सा था. एंड नाउ आई एम वेरी प्राउड, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जी गांव से होना तो बड़ी ठीक ठाक चीज़ होती है एक्चुअली, आप खाते पीते घराने से आपका ताल्लुक है, अब तो फैशन बन गई है ये चीज़ें. बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ. और ये जो ब्रांड्स की बीमारी चल पड़ी है जी, ये पकड़ के जो खड़ी हो जाती हैं, आई एम हैप्पी फॉर देम, उनको उस चीज़ में खुशी मिलती होगी. लेकिन अगर आपको उस चीज़ में तकलीफ हो रही है, तरद्दुद करना पड़ रहा है, या फेक कॉपी लेके आप खड़ी हो रही हैं, तो आप या तो बता दें, जैसे कि मैंने ये फेक ली थी सिंपल से, और मैंने ये सिर्फ ली ही इसलिए थी कि मैं ये लूँगी और फिर मैं ये स्टेटमेंट करूँगी, बिकॉज आई एम अगेंस्ट ब्रांड. मुझे ये लगता है कि जो ये हम जो लोगोस कैरी कर रहे होते हैं, हम इन लोगों को पैसे दे रहे होते हैं इनको प्रमोट, हम इनको प्रमोट भी करते हैं और हम इनको पैसे भी देते हैं. डिज़ाइन एलिमेंट तो इतना होता ही नहीं है, बस लोगोज होते हैं. और जैसे कि ये मैंने लिया
और मेरी कजन ने मुझे यही कहा कि आप तो ब्रांड्स के अगेंस्ट आप क्यों रहेंगे. मैंने कहा मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू कैरी देम एंड आई एम गोइंग टू से कि दीज आर फेक एंड आई एम कैरिंग देम ओनली टू मेक दिस स्टेटमेंट कि यार वेल डन फॉर द पीपल दोज हु आर डूइंग अमेजिंग कॉपीज बिकॉज कुछ लोगों को वाकई दिल करता है उठाने का. इफ़ यू कैरी इवन कॉपी जस्ट से इट कि ये कॉपी है बिकॉज आप अदरवाइज गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. क्योंकि जो लोग ओरिजिनल कैरी करते हैं माशाल्लाह दे हैव दैट मनी एंड दे फ्लॉन्टिंग इट अल्लाह उनको और दे. और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और वो कैरी कर रहे हैं जस्ट टू फिट इन द क्राउड डोंट डू दैट बिकॉज यू आर गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यू आर शोइंग द मनी विच यू डोंट हैव. अगेन मुकाबलेबाजी जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है. मैंने किताब पढ़ी थी उसमें दलाई लामा की एक लाइन मेरे दिमाग में रह गई कि जो कंपैरिजन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन के जो डिप्रेशन है उसकी वजह है कंपैरिजन. तो मुकाबलेबाजियाँ छोड़ें जो है आपके पास कम है ज़्यादा है इन्जॉय करें अल्लाह का शुक्र अदा करें और याशी मारें और ऐसे इस तरीके से आप अपनी कम चीज़ को भी इंजॉय करें कि लोगों का भी दिल करे कि हमें भी वो चीज़ चाहिए बल्कि वो उल्टा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया. मतलब अल्लाह माफ कर मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि आप किसी को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दें. मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट रहें अपनी पर्सनैलिटी में खुश रहें और इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की रिस्क में रिश्तों में कारोबारों में हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी सेहतों में इस महीने में अल्लाह ताला बरकत डाले. जितनी भी ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम किसी ना किसी तरीके से दें और देना जो है वो हर वक्त मटेरियल देना ही नहीं होता पैसे ही देना नहीं होता. बस जैसे मैं दे रही हूँ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. आप एक डब्बे में ना बंद कर लें अपने आप को क्योंकि डब्बे में बंद करने से बहुत सारे लोगों का भी नुकसान है. देर माइट बी मिसिंग आउट वॉट यू हैव टू शेयर तो आप अपनी शेयर करें. शेयरिंग इज केयरिंग. इसके साथ ही आई विल स्पीक टू यू सून. अल्लाह हाफ़िज़.